हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माई चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर डी के सिन्हा विथ न्यू टॉपिक, एंड न्यू टॉपिक इज पोस्ट मेंडेलिज्म। इसके पहले अब तक हम लोग जान चुके हैं मेंडेलिज्म के बारे में, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और उससे रिलेटेड लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ साथ कुछ स्पेशल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे पोस्ट मेंडेलिज्म। पोस्ट मेंडेलिज्म मीन्स मेंडल थ्योरी के बाद। जनरली द मेंडेलिज्म और थ्योरी ऑफ मेंडल वाज रीडिस्कवर्ड बाई थ्री साइंटिस्ट कोरियन सेरमार्क एंड ह्यूगो डी ब्राइस इन 1900, ओके, एंड आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल थ्योरी और मेंडेलिज्म, पोस्ट मेंडेलिज्म स्टार्ट्स। इट मीन्स इट स्टार्ट्स आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल इट मीन्स 1900 ऑनवर्ड्स एंड इन पोस्ट मेंडेलिज्म द मेन थ्योरी इज जीन इंटरएक्शन। जीन इंटरएक्शन मीन्स एक्शन अमंग द जीन। अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन है और उस जीन के बीच में जब इंटरएक्शन होता है, आपस में एक्शन होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका कैरेक्टर कैसे चेंज करता है, ये कहलाएगा जीन इंटरएक्शन। एंड जीन इंटरएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एलीलिक जीन इंटरैक्शन एंड अदर इज कॉल्ड नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन। एलीलिक जीन इंटरैक्शन एंड नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन। एलीलिक मीन्स इंटरएक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन एंड दैट एलील्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन सेम लोकी एट सेम लोकस, दैट इज कॉल्ड एलीलिक इंटरएक्शन। नॉन एलीलिक द इंटरएक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, और जब जीन डिफरेंट है इसका मतलब है कि क्रोमोजोम पर उस जीन का लोकेशन, लोकी भी डिफर होगा, ठीक है ना। सो एलीलिक जीन इंटरएक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंट्राजेनिक मीन्स एक ही जीन के अलग अलग एलील के साथ इंटरएक्शन, इंट्राजेन, और अलग अलग जीन के एलील के साथ हो तो वो कहलाएगा इंटरजेनिक। इंटरजेनिक मीन्स दो जीन के बीच, इंट्राजेनिक मीन्स एक ही जीन के अलग अलग एलील के बीच, ओके। नाउ एलीलिक जीन इंटरैक्शन एक्शन बिटवीन डिफरेंट एलील्स ऑफ सेम जीन,
different alleles of same gene and the loci of different allele is also same. इस कंडीशन में दोनों एलील का लोकी भी सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही जीन का एलील है और जीन का जो पोजीशन होता है क्रोमोजोम पर वो फिक्स होता है और वो लोकी कहलाता है. ओके, सेकेंड इज फर्स्ट सेकेंड नॉन एलीलिक एक्शन बिटवीन एलील ऑफ टू डिफरेंट जीन एंड इन दिस केस लोकी ऑफ एलील इज ऑल्सो डिफरेंट because the position of gene on chromosome is different. अलग अलग जीन के लिए पोजिशन अलग अलग है. तो ये दो तरह का इंटरेक्शन हुआ और हमें पहले जानना है एलीलिक जीन इंटरेक्शन. एलीलिक जीन इंटरेक्शन एंड एलीलिक जीन इंटरेक्शन अकर्स इन थ्री वेज. फर्स्ट incomplete dominance, co-dominance and multiple allele. There are three ways of allelic gene interaction. Okay, now see example of allelic gene action. Example of allelic. Okay. So example of allelic gene interaction, three example. First, incomplete dominance. Second, co-dominance. And third, मल्टीपल एलीलिज. दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ एलीलिक जीन इंटरेक्शन. ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इसके पहले तुम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़े. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, if in livings the both alleles are present, it means livings is in heterozygous condition, then only one character appears in the livings and that character is called dominant character, and other which is not appear in livings called recessive character. तो वहां हमने देखा था कि एक को डोमिनेंट बोलेंगे और दूसरे को रिसेसिव बोलेंगे. ठीक है, लेकिन यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट मींस डोमिनेंट एलील इज नॉट शोज देयर कैरेक्टर्स इन ऑफ स्प्रिंग कंप्लीटली. वह डोमिनेंस तो शो करता है लेकिन पूरा का पूरा शो नहीं करता है. रिजल्ट क्या होता है, इंटरमिक्सिंग हो जाता है, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर टेक्स प्लेस. यानी जो भी न्यू ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसमें ना तो कंप्लीटली डोमिनेंस कैरेक्टर अपियर होगा न ही कंप्लीटली रिसेसिव कैरेक्टर अपियर होता है, बल्कि दोनों का कंबाइंड फॉर्म अपियर होता है जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस डोमिनेंट ट्रेट
is not complete, dominant trait is not completely dominant over a recessive traits, and in heterozygous condition, intermediate character is appeared. Generally, जैसा कि डोमिनेंट में अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस दिस प्लांट शो डोमिनेंट कैरेक्टर, मींस प्लांट्स आर कॉल्ड टॉल प्लांट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके, बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंट कैरेक्टर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव कैरेक्टर. यह अपना पूरा कैरेक्टर शो नहीं करेगा. रिजल्ट क्या होगा? इंटरमीडिएट कैरेक्टर अपीयर होगा. तो यह जो टॉल प्लांट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसे प्लांट को हम टॉल प्लांट नहीं कहेंगे. ठीक है, जनरली इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज discovered by Correns on experiment Mirabilis Jalapa, on experiment Mirabilis Jalapa, commonly called 4 o'clock. Mirabilis Jalapa, commonly called 4 o'clock, Mirabilis Jalapa, 4 o'clock. And character is flower color. In Mirabilis Jalapa 4 o'clock, mainly flower color is of two types, red and white. Red is dominant character, white is recessive character. But in case of incomplete dominance, intermixing or blending of character occurs. It means intermediate character, pink flower is also developed. This is the example of incomplete dominance. Red flower, capital R, white, small r, gamete, small r, capital R, in F1 generation, RR. देखिए, एक heterozygous condition है, and in heterozygous condition, blending of character, intermediate character develops, and this is pink flower. In F1 generation, अगर इस this is F1, and by selfing of F1 means capital R small r cross with capital R small r, two gametes capital R small r. Here also two gametes capital R smaller, and by cross
कैपिटल आर विथ कैपिटल आर, स्मॉल आर विथ स्मॉल आर, इट मीन्स इन F2 कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर. These four types of plant develops. Now this is red in color. These two are pink in color, and this is white in color. Okay. Now phenotypic ratio and genotypic ratio. One flower red, two flower pink, one flower white. Ratio means 1:1. Genotypic also 1 homo, these two hetero, 1 homo means 1:1. Okay. Next example of incomplete dominance is dog flower. Next example, dog flower, also called a snapdragon or Antirrhinum majus, scientific name Antirrhinum majus, dog flower or a snapdragon flower. Okay, in this plant generally character that is also flower color red, white. Okay, red, white, and intermediate color pink. Okay, as like Mirabilis jalapa or 4 o'clock. Next example, this is second. Third example is Andalusian fall. In Andalusian fall, the character that shows incomplete dominance is feather color. Feather color black black white black white and intermediate color is gray. Black, white and intermediate color gray. So this also show Andalusian fall, dog flower and Mirabilis jalapa. These are the examples of incomplete dominance. Second example of allelic interaction is codominance. Codominance. Co means together, साथ. अभी हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में केवल एक कैरेक्टर अपियर होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर अपियर नहीं होता है. सॉरी, कंप्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट कैरेक्टर अपियर होता है, रिसेसिव कैरेक्टर अपियर नहीं होता है. इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस ना तो कंप्लीट डोमिनेंट कैरेक्टर अपियर होता है, न ही कंप्लीटली रिसेसिव कैरेक्टर अपियर होता है, बल्कि दोनों का इंटरमिक्सिंग हो जाता है. ओके, यहां क्या है, को डोमिनेंस, इट मींस बोथ एलील शोज इट्स कैरेक्टर सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली. इसमें एक दूसरे से इफेक्टेड नहीं होगा.
जैसा डोमिनेंट कैरेक्टर अपियर होता है ठीक उसी तरह रिसेसिव कैरेक्टर भी अपियर होता है, दोनों साथ साथ अपियर होता है, इसीलिए कहलाता है को डोमिनेंस। ओके, इन दिस एलीलिक इंटरैक्शन बोथ एलील appear together in offspring and shows its character also। दोनों साथ साथ जाता है और दोनों ही अपना कैरेक्टर शो करेगा। एग्जाम्पल, लेदर कलर इन कैटल। जैसे अगर एक डोमिनेंट कैरेक्टर लें और एक रिसेसिव कैरेक्टर लें तो कंप्लीट डोमिनेंस में तो सिर्फ डोमिनेंस आएगा, रिसेसिव नहीं आएगा। इनकम्प्लीट में दोनों का मिला हुआ फॉर्म आएगा, ठीक है। लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर ही साथ जाएगा। इसमें जैसे अगर लेते हैं एक ब्लैक लेदर और ब्लैक कोट, अदर इज वाइट कोट, एक का वाइट कलर दूसरे का ब्लैक कलर, सपोज दैट कैपिटल बी व्हाइट के लिए स्मॉल बी, यहां जो होगा कैपिटल बी, यह ना तो कंप्लीटली ब्लैक होगा ना ही कंप्लीटली व्हाइट होगा और ना ही दोनों का मिला हुआ फॉर्म होगा, बल्कि दोनों साथ साथ जाएगा। एंड दिस एनिमल इज कॉल्ड रोन एनिमल्स, दिस इज कॉल्ड रोन एनिमल। इट मीन्स इन एनिमल अ स्पॉट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर बोथ प्रेजेंट, दोनों का स्पॉट होगा, व्हाइट कलर भी प्रेजेंट होगा ब्लैक कलर भी प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड रोन एनिमल। सो रोन एनिमल डेवलप्स इन F1 जनरेशन। अगर इसका फिर से क्रॉस कराया जाए, सेल्फिंग ऑफ F1 Capital B, small b, क्रॉस विथ Capital B, small b, डैट में करा रहा हूं क्रॉस, BV दिस इज ब्लैक, दिस टू आर रोन वाइट, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1, दोनों के लिए 1:1:1:1। ओके, अदर एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज co-dominance AB blood group and sickle cell anemia, AB ब्लड ग्रुप एंड सिकल सेल एनेमिया। जनरली यू नो इन ह्यूमन 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, और ब्लड इज ऑफ 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप AB एंड O। AB ब्लड ग्रुप AB इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस,
ए भी अपना कैरेक्टर शो किया, बी भी कैरेक्टर अपना शो किया, रिजल्ट क्या हुआ, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए भी हो गया, ठीक है। एंड एज लाइक अदर सिकल सेल एनीमिया HbS एंड HbA, HbS सिकल सेल एनेमिक हीमोग्लोबिन, सिकल सेल अमीबिक हीमोग्लोबिन, HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इन नॉर्मल पर्सन HbA HbA हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, इन एनेमिक पर्सन HbS HbS प्रेजेंट, बट इन दिस कंडीशन बोथ टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल ऑफ एलेलिक इंटरेक्शन इज मल्टीपल एलील। अब तक आप लोगों ने जाना कि एक जीन का मेनली दो एलील है, सच एज फॉर टॉल कैपिटल टी, फॉर हाइट कैपिटल टी या स्मॉल टी, फॉर सीड कलर, फॉर पोजीशन ऑफ फ्लावर। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल ने जनरली दो एलील लिए, लेकिन यहां पर मल्टीपल एलील मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ जीन, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स ऑफ ए जीन ऑफ ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा एलील रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म। इट मीन्स ए कंडीशन इन विच मोर देन टू एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा एलील अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उस कंडीशन का नाम देंगे मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील मीन्स एक से ज्यादा एलील, एंड दैट फिनोमिना प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म, प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म। इट मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ मोर देन टू एलील इज कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म, मल्टीपल एलीलिज्म। इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर विथ द हेल्प ऑफ मोर देन टू एलील्स, मोर देन टू एलील्स, दो एलील से अगर ज्यादा होगा तब उस कंडीशन का नाम देंगे मल्टीपल एलील्स। ओके, अब ध्यान दीजिए कि एक कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो अगर उस जीन का दो एलील है तो वह दोनों एलील अलग अलग होमोलोगस क्रोमोजोम पर होता है, दोनों एलील का लोकस सेम होगा क्योंकि एक ही जीन का दो एलील है तो दो होमोलोगस क्रोमोजोम पर सेम लोकस पर होगा, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं दो से ज्यादा एलील हो गया, होमोलोगस क्रोमोजोम दो है एलील ज्यादा है तो फिर उसका पोजिशन कहां होगा। तो याद रखना है कि एक लिविंग्स में केवल दो ही एलील होगा, एक मेंबर्स में केवल दो ही एलील होगा, जो एक्स्ट्रा एलील है वो किसी दूसरे अदर मेंबर्स में होगा। एज फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बॉडी इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड और ब्लड ग्रुप अकर्स बाई थ्री एलील्स, थ्री एलील्स। नाउ सी एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, फर्स्ट
AB and O blood group in human. Generally, inheritance by 3 allele. Blood group का inheritance 3 allele के द्वारा होगा. दूसरा example, self incompatibility in tobacco. Self incompatibility in tobacco and inheritance occurs by 3 to 6 alleles. 3 to 6 alleles. Next example, coat color in rabbit occurs by 4 alleles. And next, eye color in Drosophila controlled by 15 alleles. These are the example of multiple alleles in which more than 2 alleles are responsible for the inheritance of a single character. Now we see the example. First, ABO blood group in human. ABO blood group in human discovered by Landsteiner. आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे ब्लड ग्रुप. एंड यू नो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप बाई 3 alleles of gene I, gene responsible for inheritance of blood group is I. I means isoagglutinogen and 3 alleles of I are IA, IB, IU. These two are called dominant and this is called wild type allele. Wild type allele. So these 3 alleles are responsible for the inheritance of ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन. अब 3 एलिल्स है एंड टोटल पॉसिबल जीनोटाइप इज 6. सो पॉसिबल जीनोटाइप इज इक्वल टू 6 एंड फॉर्मूला इज एन इंटू एन प्लस 1/2 वेयर एन नंबर ऑफ एलिल्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिल्स. इन दिस एग्जाम्पल 3 एलिल्स आई ए आई बी एंड आई ओ. सो 3 3 प्लस 1 2 टोटल 6 एलिल्स. सो पॉसिबल एलिल्स आर 6 एंड सॉरी पॉसिबल जीनोटाइप आर 6. नाउ जीनोटाइप फोर ब्लड ग्रुप ए आई ए आई ए आई ए आई ओ बी
IBIB, IBIO, AB, IAIB and for product group OIOIO. Inheritance of blood group in human is an example of multiple allelism. And inheritance of AB blood group is also example of codominance. ठीक है, इसके अलावे एलिलिक जीन इंटरैक्शन का कुछ और भी एग्जाम्पल है, सच एज लीथल जीन, पॉलीजेनिक जीन. ठीक है, एनसीईआरटी में मेनली तीन है, इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस और मल्टीपल, जिसका कि हमने डिस्क्रिप्शन कर चुका. ओके, थैंक्स.